तो गाइस 21 अप्रैल को गीता नाम की लड़की का किडनैप और रेप हुआ था मदरसे में। इस रेप केस में नेताओं सेलिब्रिटियों की प्रतिक्रिया सेलेक्टिव क्यों है? मेरा यह सवाल लोगों को रेप से लेकर दोहरे रवैये से है। पिछले कुछ दिनों में आसिफा को रेप के लेकर लोगों बहुत ही ज़बरदस्त गुस्सा देखने को मिला। अलग अलग हिस्सों में लोग आंदोलन पर उतारू हो गए थे, लेकिन दिल्ली में एक नाबालिग लड़की के रेप को लेकर ज़्यादातर लोग चुप है, धारण करे बैठे हैं सब। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। इस चुप्पी का संबंध कहीं आरोपी के धर्म से तो नहीं है? कि यहाँ आरोप ये है कि पीड़ित को मदरसे में रखकर उसके साथ रेप किया गया, और पीड़ित के परिवार का ये भी कहना है कि मदरसे के मौलवी ने भी उस बच्ची के साथ रेप किया, लेकिन पुलिस ने मौलवी को गिरफ्तार नहीं किया। वहाँ में जब मासूम के साथ रेप हुआ था, कहाँ गई वो बॉलीवुड की तख्ती वाली एक्ट्रेस जो हाथ में तख्ती पकड़ लेकर प्रदर्शन कर रही थी, जो ये भी जिक्र कर रहे थे कि मंदिर में बच्ची के साथ रेप हुआ था, लेकिन जब मदरसे में रेप हो तो यही लोग चुप क्यों बैठे हैं? अब कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? क्या अब इनके पास मेकअप ख़त्म हो गया या फिर इनकी फिल्म की प्रमोशंस की अब ज़रूरत नहीं है? तो राहुल गांधी, जिसने मिडनाइट कैंडल मार्च निकाला था कठुआ रेप केस में, उसने गीता जैसी मासूम लड़की के लिए एक बयान तक जारी नहीं किया, एक ट्वीट तक जारी नहीं किया उसके सपोर्ट में। मैं आपसे आज ये सवाल करता हूँ कि बलात्कार के अपराध पर धर्म भेद क्यों? क्या आप मजहब देखकर रेप के आरोपी की गिरफ्तारी होगी इंडिया में? धर्म देखकर रेप के खिलाफ आंदोलन होगा इंडिया में? और सवाल तो ये भी है कि रेप पर डिज़ाइनर प्रदर्शन आखिर कब तक चलेगा? और अब आप ये भी सुनिए। हाँ, इसमें इन्वॉल्व है मौलवी, 101% इन्वॉल्व। आगे हमारी यही मांग है कि जो इनमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी लोग हों, मौलवी तो उसमें इन्वॉल्व ही है, प्लस और भी जो इन्वॉल्व हों, क्राइम ब्रांच को इसकी गहराई तक जाके जांच करके उसको फांसी की सजा लटक पहुँचाया जाए। रेपिस्ट चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। आरोप है कि लड़की को जानने वाला लड़का दबाव डालकर उसे मदरसे तक लेके गया और वहाँ उसने उसका रेप किया। मेडिकल रिपोर्ट में भी लड़की से बलात्कार की पुष्टि हुई है, और लड़का खुद को नाबालिग बता रहा है। और अभी अभी आई लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से उस लड़के का बोन डेंसिटी टेस्ट किया गया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसमें ये बताया जा रहा है कि वो लड़का ही इज़ नॉट अ जुवेनाइल, ही इज़ नॉट 13 ईयर्स ओल्ड, और ही इज़ अ मेजर। यहाँ पर आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि उसका बोन डेंसिटी टेस्ट किया गया है, जिसमें ये बात खुलकर सामने आई है कि उसकी जो रियल एज है वो है 21 ईयर्स, और उसको एक अडल्ट की तरह ट्रायल किया जाएगा। यहाँ तक सोनम महाजन ने भी इसको ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लड़के की रियल एज 21 ईयर्स है, ना ही 13 या फिर 17 साल जैसे कि क्लेम किया गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट को चूतिया बनाया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि इस चीज़ को राजनीतिक रंग क्यों देना चाहिए? रेप के मामले को मंदिर से, मस्जिद से, पुजारी से, मौलाना से क्यों जोड़ना? अगर रेप हुआ है तो उसे रेप कंसिडर करना चाहिए, और इस चीज़ की सज़ा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। आई एम हिंदुस्तान एंड आई एम अशेम्ड, एक सिलेक्टिव आउटरेज किया गया बॉलीवुड की हीरोइंस द्वारा। ऐसे में पायल रोहतगी ने एक बेहद ज़बरदस्त ट्वीट इस मुद्दे पर किया है। मैं आपको ये ट्वीट रीड करके दिखाता हूँ। मुस्लिम्स आर लॉयल टू देयर रिलीजन, इस्लाम, क्रिश्चियंस आर लॉयल टू क्रिश्चियनिटी, बट हिंदूज आर नॉट लॉयल टू देयर रिलीजन। हिंदुइज्म, दैट्स वाई दे गेट कन्वर्टेड द मोस्ट। हैव यू एवर सीन अ मुस्लिम एक्टर कंडेम द एक्ट ऑफ एनी मुस्लिम, इवन इफ दे आर रॉन्ग? देन वाई आर हिंदूज नॉट लॉयल? यानी कि पायल कह रही है कि मुस्लिम अपने इस्लाम के लिए वफादार है, क्रिश्चियंस क्रिश्चियनिटी के लिए वफादार है, लेकिन एक हिंदू अपने रिलीजन हिंदुइज्म के लिए वफादार नहीं है, इसीलिए सबसे ज़्यादा कन्वर्टेड हिंदूज होते हैं। सो ये बात हिंदुओं के लिए बहुत ही शर्मनाक है और खुद सोचने वाली बात है, और मैं खुद कहूँगा कि हिंदू खुद सोचे कि वो कितने वफादार है अपने रिलीजन को लेके।
और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको सच में इस देश को एक करना है तो पॉलिटिशियंस की बातों में मत आएं और एक तादाद में हिंदू और मुस्लिम यूनाइट हो और चाहे वो आसिफा हो या गीता हो उसको इंसाफ दिलाएं। जय हिंद। और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।